गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट एरे फंक्शन की बात करेंगे हम और इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे, डॉलर डेज और एरे फंक्शन का यूज करते हैं हम एरे क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले एरे यहाँ पे संडे मंडे वीक डेज का अभी एरे क्रिएट कर लिया हमने डॉलर डेज डेज का। अब आपने इस एरे की वैल्यूज को अगर एक साथ सारे एरे की वैल्यूज को देखना चाह रहे, इसके लिए हमने बताया था आपको कि प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज करते हैं। तो सारे एरे की वैल्यूज को हम पहले प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर डेज, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये सारे एरे की वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा एक साथ। तो हमने ये फंक्शंस लोकल होस्ट चेक करेंगे आप हमारा पोर्ट 88 और इनसाइड द सीमेज फोल्डर सीमेज और हमने जो एरे फंक्शन नाम से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे एरेज डिस्प्ले हो रहा है, बट ये थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कराते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे यूज करना है प्री टैग यूज करना, इको प्री। तो ये जो हॉरिजेंटल दिख रहा है उसको, या चाहे तो आप यहाँ पे इको प्री को क्लोज भी कर सकते हैं या फिर इसमें। तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ये दिखेंगे फॉर्मेटेड, मीन्स कि ये हॉरिजेंटल से आप रिफ्रेश करते हैं इसको ये वर्टिकल ऑर्डर में दीजिए। ठीक है, तो एरे फंक्शन का हमने यूज किया है। अब इस एरे फंक्शन को हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे सॉर्ट डॉलर डेज। अब ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करता है, सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फंक्शन क्या करेगा, देते हैं यहाँ पे सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए चेक कर लेते हैं हम एरे को। तो ये जो एरे है यहाँ पे अब देखेंगे आप, सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया, सॉर्ट कर दिया। ये देखिए फ्राइडे मंडे एफ एम एस एस टी पी यू ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये जो एरे को सॉर्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमने सॉर्ट फंक्शन यूज किया एस ओ आर टी के लिए। अब दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं, सॉर्ट असेंडिंग में था और डिसेंडिंग ऑर्डर में फंक्शन को सॉर्ट करने के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। और फिर दूसरा जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं हम वो है दैट इज सॉर्ट का रिवर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आर सॉर्ट का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, एरे का नाम देंगे यहाँ पे डॉलर डेज और ये एरे क्या करता है, सॉर्ट द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग अब इस एरे की वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं। आर सॉर्ट आर फोर रिवर्स ठीक है। तो आर सॉर्ट क्या करता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करेगा। चलिए हम देख लेते हैं इसकी वैल्यूज को। ये हमारा अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि सारे एरे की वैल्यूज को डब्ल्यू टी यू इस वे से आप ये। अब इस एरे को अपने न्यूमेरिक एरे इंडेक्स एरे को हमने यहाँ पे चेक किया असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने देख लिया।
अब इस एरे में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम। इस एरे को चेंज करके हमने इस एरे को, ये न्यूमरिक एरे था, हमने इसको, इस एरे के वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और इसको यूज कर जाते हैं हम एसोसिएटिव एरे में इनका। ठीक, तो ये एरे हम संडे है, हम संडे को यहाँ पे की क्रिएट कर लेते हैं 1। ठीक है, 1 हमने संडे के लिए, 1 मंडे को, यहाँ पे ट्यूसडे, टेन, थ्री एरे, और यहाँ पे हमने इसका 3 एंड 4 हम एसोसिएटिव एरे यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। जिस एसोसिएटिव एरे को कितने तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं ये सारे हम देखेंगे यहाँ पे। एरे 4, 10, यहाँ पे हमने 5, राइट, सिक्स, ये डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे तो इस तरह से हमने ये डिफाइन कर दिया, और ये एसोसिएटिव है। ठीक, तो एसोसिएटिव अभी तक हमने सॉर्ट आर सॉर्ट देखा, और एसोसिएटिव एरे के लिए हमने यहाँ पे यूज करेंगे ए सॉर्ट। एसोसिएटिव एरे को ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो इसके लिए एसोसिएटिव एरे के लिए सॉर्ट है ए सॉर्ट। ए सॉर्ट की सॉर्ट क्या करेगा, अब डॉलर डेज। अब इस एरे की वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं। तो ये सॉर्ट द एसोसिएटिव एरे, सॉर्ट एन एरे, सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या करता है, मेंटेन जो है इंडेक्स को भी मेंटेन करता है यहाँ। ठीक, तो ये एसोसिएटिव एरे के लिए कली ए सॉर्ट है। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। और तो यहाँ पे देख रहे हैं 6, ये एसोसिएटिव एरे वैल्यूज को सॉर्ट कर रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज को ये सॉर्ट कर रहे हैं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में है, सिंपली हम इसको ए सॉर्ट की जगह हम यहाँ पे ए आर सॉर्ट यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, रिवर्स ए आर। तो ए सॉर्ट की जगह ए आर सॉर्ट यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे ए आर। तो क्या करेगा, सॉर्ट एन एरे इन डिसेंडिंग, सॉर्ट द एरे इन डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चेंज करेगा, सॉर्ट द एरे इन डिसेंड, सॉर्ट द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हम ए आर सॉर्ट। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को सॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑब्वियसली ये सारे वैल्यूज को सॉर्ट कर रहा है ए आर सॉर्ट। ठीक है, ए आर सॉर्ट, ए आर सॉर्ट, ए आर सॉर्ट को अब हमने सॉर्ट करते हैं हम उसको कीज को। अभी तक हमने वैल्यू को सॉर्ट किया है अभी, तो इसको सॉर्ट करने के लिए यूज करेंगे हम
के सॉर्ट डॉलर डेज। अब के सॉर्ट क्या करेगा, डॉलर डेज ये की को सॉर्ट करने के लिए, के फॉर कीज, ये सॉर्ट करेगा कीज को, और ये की के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करेगा। तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे F3, ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे, तो F5, 5, 4, वो ये सारे के सारे चीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर रहे हैं। अगर सिंपली हमने अगर इसको रिवर्स करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज KR sort, KR sort क्या करेगा, ये एरे की वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, 5, 6 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे की से हम कैसे सॉर्ट करेंगे एरेज को। तो अभी तक हमने 6 एरे फंक्शन एंड 7 एरेज ऑल्सो फंक्शन, तो हमने 7 फंक्शंस अभी हमने देखे कैसे एरे क्रिएट करते हैं, कैसे इंडेक्स एरे को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर एसोसिएटिव एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं वैल्यूज असेंडिंग डिसेंडिंग, एंड की से हम कैसे सॉर्ट करते हैं डिफरेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप कि ये सारे फंक्शंस बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हम कोई प्रोग्रामिंग, जब हमने डेटाबेस इंटरेक्शंस या कभी डेटाबेस में वैल्यूज फेच कर रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है। आई होप कि ये फंक्शंस आपको समझ में आया होगा कैसे हमने एरे के ये 7 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप पूछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।